आप सोच के देखो कि जिस बीमारी से आपको सबसे ज्यादा नफरत हो और वो आपको अचानक से हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसा ही प्रैंक आज मैं दीदी के साथ करने वाली हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ बहुत ही गंदा घिनौना डिस्गस्टिंग प्रैंक दीदी के साथ, क्योंकि यार इतने दिन से बोल रहे थे दीदी प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो, लेकिन मुझे यार कोई अच्छा प्रैंक नहीं मिल रहा था कि दीदी के लेवल का। तो गाइस मैं करने क्या वाली हूँ यार, मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना जो उसके साथ मैं करने वाली हूँ। और मैं ये प्रैंक इतने टाइम से प्लान कर रही हूँ कि मैं आज करूंगी, लेकिन गाइस आज मैं फाइनली ये प्रैंक करने वाली हूँ, क्योंकि दो तीन दिन से ना दीदी के हाथ में खुजली हो रही है और दीदी बोल के आ रही है कि लगता है मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, भाग्य खुलने वाले हैं। तो गाइस बेसिकली मैंने मेकअप किट मंगाया हुआ है, मैं दीदी के चेहरे हाथों या पैरों कहीं पे भी फेक मेकअप लगाने वाली हूँ। मैं रियलाइज कराने की कोशिश करूंगी कि तुम्हें ये बीमारी हो गई है, तुम्हारे हाथ में कुछ हो गया दीदी, अब क्या होगा, तो उसका रिएक्शन होने वाला है। उसे बहुत लाइक लिटरली बहुत ज्यादा घिन आती है इस चीज से। तो लेकिन यार सबसे पहले ना मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो अच्छी में सो भी है या नहीं। दीदी ओके गाइस, आई थिंक वो नींद में मर हो गई है और मैं इतना नॉर्मली बोल सकती हूँ। आई होप आपको आवाज आ रही हो मेरी। यार इसका पैर तो पूरा कवर है, अगर मैं ऐसे निकालूंगी ना तो आई थिंक वो उठ जाएगी। मैं सोच रही हूँ ना जो वो घिनौना मेकअप है यहाँ पे हाथ पे कर सकती हूँ, लेकिन यार हाथ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चेहरे पे डायरेक्टली दिखेगा नहीं और वही जगह तो नहीं है यार। इस टाइम पे ना ये मुझे सोई हुई भूखी शेरनी लग रही है, तो इंसानों को कच्चा जब आ जाती है, इस शेरनी को मुझे छेड़ना है। तो गाइस मुझे करना क्या, मुझे उसका ये वाला चाहिए। यहाँ पे थाली पहले से परोसी गई है ना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अब ना मुझे इसे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद मैं टूथपिक से उसमें गोल गोल करने वाली हूँ ताकि वो बहुत खतरनाक लगे। थोड़ा सा सुखाते हैं इसे। यार ये मुझे खुद पे ऐसा खिलौना टाइप का फील हो रहा है ना, जब वो देखेगी आई डोंट नो क्या हाल होने वाला है उसका। रियल में घिनौना लग रहा है ना, कैमरे में उतना पता भी नहीं चल रहा है। तो गाइस हाथ का तो क्या, मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा चेहरे पे भी कर देते हैं ताकि और खतरनाक लगे। बनाने के लिए हम चेहरे पे भी करेंगे खुरा। दो दिन से हो गया, कुछ इन्फेक्शन हो गया इसको। नहीं नहीं बेटा
ऐसी निकाल दी बदतमी। शांत हो बेटा, मजाक कर रही है जी, मजाक कर रही है। शांत हो जा, तुम्हें को मारेंगे। आप भी मिली हुई है यार, दीदी प्रैंक हो रहा था। दीदी इट्स अ प्रैंक मिला है बेटा, इट्स अ प्रैंक नहीं मिला है, हम नहीं मिले हैं। इट्स अ प्रैंक, इट्स नकली ब्रो, इट्स नकली भाई। प्रैंक खून नहीं बह रहा है, अरे खून नहीं बह रहा भाई, मैंने लगाया कैसे खून बह रहा है, कैसा लगा मेरा मजाक, क्या बोला ना। मामला जो है वो खतरनाक हो चुका है, मुझे यहाँ से खिसकना चाहिए। My God, guys, कैसा लगा? एक बात बताओ, तुमको दर्द कैसे कर रहा था? हो रहा था गाइस। ये देखो, ये प्रूफ करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जब आप किसी बीमारी को ना बहुत सोचते हो कि यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो वो रियल में दर्द होने लगता है। मुझे पता था इसको बहुत घिनौने है। मेरा हाथ खुजली कर रहा था दो दिन से। तो दर्द कैसे कर रहा था? मुझे इतनी जोर की हंसी आ रही थी, बोले मम्मी दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि मेरा प्रैंक खत्म है, क्योंकि अभी मैं मेकअप कर ही नहीं थी, तब तो क्या अचानक से उठ जाती है, तुमको दिख नहीं रहा है कि ये सामने सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक तो इतना घिनौना चीज, तुमको पता है ना, वो उससे खिंचती है, वो घिन आती है, लगता है कि क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा हो जाता है पूरा बॉडी। वो जब वो मुंह देख लिया ना, तो मैंने दिमाग काम करना और बंद हो गया कि हो क्या रहा है ये, फिर सारा मेरा ब्लैंक हो गया। ओह माय गॉड गाइस, मम्मी आ गई, पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ, तो जब कोई पूछता तो और रोना आता है, तो इस पर नजर ही नहीं जा रहा, इस पर नजर डालने लायक था ही नहीं, वो घिनौना सा गंदा। मम्मी का जो नरम दिल है ना, वो पिघल गया इसके रोने की वजह से। नहीं तो मेरा प्रैंक ना अभी और एक्सट्रीम जाता, मैं बोलती ये डॉक्टर को कॉल करती। कौन कहाँ लगाया फोन? हम बता दिए होते, लेकिन बाबू बहुत हाथ पाए रिक्वेस्ट। कैसा लगा मजाक? बहुत घटिया, टॉर्चर हो गए हम। उसको जब एक बार नजर ले गया, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया। ये तो वो है, ये वीडियोस में देखते हैं, ये लाइन में कहां से आ गया छेदा। खाने को बेचारी इतनी शौकीन है, ठीक जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। मोबाइल कैसे चलाएगी? मोबाइल चलाने का इसको पड़ा पड़ा है। तुमको एक बात बताओ, तुम सोई थी, पता नहीं चल रहा था तुमको? नहीं, जब यहाँ पे कुछ हुआ तब पता चला, तब उसी की वजह से जागी हो। हाँ तो नहीं पता। हाँ ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है ना, और मैं बहुत धीरे धीरे कर भी रही थी, आपको फास्ट में दिखेगा ऑब्वियसली। तो गाइस हमने रिक्वेस्ट कम्प्लीट कर दी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।